नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मार्गी देव गुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं। मार्गी का अर्थ होता है सीधी चाल चलना। मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। मकर राशि शनि की राशि है और शनि भी साथ में है। वैसे तो शनि भी मार्गी हो चुके हैं, लेकिन जब भी देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में होते हैं तो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी नीच राशि में है। तो देव गुरु बृहस्पति की नीच राशि क्या है? वो है मकर राशि। और देव गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। अब देव गुरु बृहस्पति हैं क्या? देव गुरु बृहस्पति एक अच्छे सलाहकार हैं। एक गुरु जो होता है वो ज्ञान देता है, एक सलाह देता है, मार्गदर्शक हैं। कहते हैं ना, गुरु मिल जाए तो ईश्वर मिल जाता है। तो देव गुरु बृहस्पति की ये अहम भूमिका होती है हर एक व्यक्ति के जीवन में। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा टीचर, अच्छा स्कूल मिल जाए तो वो ज्ञानी बन जाता है। घर से अच्छा ज्ञान मिले, और जो जिसको कुछ नहीं मिलता वो अज्ञानता में रहता है। तो इसलिए देव गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, प्रेम संबंध के कारक हैं, विवाह संबंध के कारक हैं, घर गृहस्थी के कारक हैं, संतान सुख के कारक हैं, नौकरी व्यापार में जो मुनाफा है, जो संचित धन है उसके कारक हैं। तो आपके जीवन के बहुत सारे हिस्सों से जुड़े हुए हैं। और देव गुरु बृहस्पति खराब हों तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी दे देते हैं, खासकर सांस से संबंधित बीमारियां, या जो बड़ी भयंकर बीमारियां होती वो भी देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए इस दीपावली में क्या शुभ परिणाम लेकर आ रहा है और क्या सावधानियां लेकर आ रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। क्योंकि दीपावली साल में एक बार आती है और हम सभी लोगों को इंतजार रहता है कि दीपावली अच्छी जाए। तो ध्यान से देखें वृश्चिक राशि वाले अपनी इस कुंडली को। ये जो कुंडली है इसमें देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव यानी कि पराक्रम का भाव, यानी कि साहस और एनर्जी का भाव। अब देव गुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव पर और भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर अपनी अमृत तुल्य गंगा जल जैसी पवित्र दृष्टि को डालेंगे। गुरुदेव की दृष्टि लाभकारी होती है और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपको हर बात सोच समझकर करनी है, बोलनी है, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं बोलना है। बिना सोचे समझे, आधा अधूरा पढ़े और कुछ भी साइन कर दिया या कुछ भी बोल दिया, अल्प जानकारी आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। पूर्ण जानकारी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही कोई बात करिएगा, भाषा का सही प्रयोग करिएगा। परिवार के सभी लोग हैं उनके साथ अच्छा बोलिएगा, दोस्तों यारों रिश्तेदारों से मीठी बातें करें, कड़वाहट नहीं लानी है जुबान में। जितना हो सके भाई बहनों से, रिश्तेदारों से अपनी अच्छी बना के रखें, खासकर भाइयों से। काम देवगुरु बृहस्पति आपको दिलाएंगे, यानी कि धन दौलत की कमी नहीं होगी। कठिन से कठिन काम में देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता दिला देंगे। धार्मिक बने रहें, अपने काम से जुड़े रहें, आपके काम से ही इस समय में आपका नाम हो जाएगा, सरकार से धन प्राप्ति होगी या सरकारी कामों में विजय प्राप्त होगी, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सेहत को भी ध्यान में रखना होगा, संतान सुख भी बढ़ेगा, व्यापार में जबरदस्त लाभ तभी होगा जब आप उल्टा सीधा बोलेंगे नहीं और मीठा बोलेंगे और सही समय पर बोलेंगे और एक अच्छे रिश्ते बनाकर ग्राहकों से रखेंगे। क्योंकि ग्राहकों से रिश्ते तभी बिगड़ते हैं जब आदमी क्रोध में होता है। कुंवारे हैं तो शादी के रिश्ते आ जाएंगे। धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें, शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है, लव रिलेशन में सुधार होगा और ईश्वर की भक्ति परम आनंद देगी। धन की बात करें तो धन की बचत होगी, बुद्धि और ज्ञान से आप अटके हुए काम पूरे कर लेंगे, पुरानी जॉब में दिक्कतें खत्म होंगी, आपकी संतान के करियर बनने में गुरुदेव आपकी मदद करेंगे,
लॉटरी जुआ से शानदार अचानक धन लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन दिमाग लगाकर ध्यान रहे किसी को पैसा इस समय में उधार नहीं देना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 18 तारीख से लेकर 20 नवंबर की, तो इस तारीख में पैसा उधार नहीं देना है। व्यापारियों को साझेदारी में लाभ होगा, पत्नी की तरक्की के योग है, जीवन साथी का भाग्यशाली होना तय है। कई विषयों के जानकार होंगे आप, नई नई विषयों के जानकारी से आप भरे हुए होंगे, आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कर्ज पर विजय प्राप्त होगी। जितनी शान और शौकत जिंदगी में आप दिखाएंगे, जितनी शान और शौकत से जी, कंजूसी से जीने का वक्त नहीं है, शान और शौकत से जितना जिएंगे उतनी ही तरक्की होगी, और जितना पैसा होते हुए गरीब बने रहेंगे, रोते रहेंगे, उतना ही नीचे जाते चले जाएंगे। यात्रा से लाभ, विदेश यात्रा से भी लाभ होगा। स्त्री की सलाह से तरक्की होगी, पढ़ाई लिखाई करियर के लिए या समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई पे सब्जेक्ट चूज नहीं कर पा रहे हैं तो थे तो सही सब्जेक्ट चूज हो जाएंगे। करियर के लिए सोच नहीं पा रहे थे कि कौन सी हायर एजुकेशन ली जाए, कंप्यूटर करें या मार्केटिंग में जाएं, एमबीए यहां से करें या वहां से करें, कॉमर्स लें कि मैथ लें या बायो लें, क्या चीज लें, ये अगर कंफ्यूजन चल रहा था तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बढ़िया चुनाव कर पाएंगे करियर को लेकर और शिक्षा को लेकर। जीवन साथी की सेहत पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। रुके हुए अटके हुए सरकारी या प्राइवेट काम बन जाएंगे, प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बनेंगे। पिता का साथ और सहयोग होगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले अब इंतजार ना करें, ये दीपावली उनके लिए शुभ बनकर आ रही है। इस दीपावली में धन वर्षा कहाँ से होगी, किस तरफ से होगी, ये कहना असंभव है, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूँ जहां जहां से भी होगी वहां वहां से इतनी होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, धन दौलत बहुत आएगा। तो 2021 की दीपावली कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा, आपकी पिछली दिवाली से और बेहतर होगी, और आगे आने वाले कई वर्ष तक आप इस दीपावली को याद रखेंगे। मैं यही कहूँगा 2021 की दीपावली द बेस्ट रहने वाली है, आपकी जिंदगी को चमका देंगे देव गुरु की बृहस्पति का मार्गी होना, और आपके घर का कोना कोना महक उठेगा खुशियों से। तो आपके लिए देव गुरु बृहस्पति कहीं से भी कोई गड़बड़ ना करते हुए सब कुछ शुभ ही शुभ कर रहे हैं। अब मेहनत और प्रयास आपको करने हैं, सावधानियां आपको रखनी है, और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है, चाहे वो देव गुरु बृहस्पति स्वयं क्यों ना हो, तो उनको सुधारने के लिए प्रयास करना है, मेहनत करनी है, उपाय करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर आप ग्रहों की जानकारी चाहते हैं, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, किसकी वजह से क्या मिल रहा है, किसकी वजह से क्या नहीं मिल रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। आप लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और खुशियाँ बांटें। खुशियों की कोई कीमत नहीं होती और कोई मोल नहीं होता है। मुस्कुराते रहें, आगे चलते रहें, सफलता जरूर मिलेगी इस दीपावली में। हरिओम नमस्कार। क्या इस दीपावली में आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर सबसे पहले आए और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में आके बस जाए, तो पूजा करें इस साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप की। ये ना मिट्टी के हैं, ना प्लास्टिक के हैं, ना सोने के हैं, ये हैं ओरिजिनल सात मुखी रुद्राक्ष यानी माँ लक्ष्मी, और पांच मुखी गणेश रुद्राक्ष यानी भगवान गणेश का स्वरूप। ये ओरिजिनल हैं, ये देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक जो भी चीज़ आपने ली होगी वो किसी इंसान की द्वारा बनाई गई उसकी रचना होगी, लेकिन ये ओरिजिनल है जिसको साक्षात शिव ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और इसके साथ में आपको दिया जाएगा ये श्री यंत्र जो कि ओरिजिनल स्फटिक का है, कांच का नहीं है, और उसके साथ में आपको मिलेगा ये ब्रास का कछुआ, और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूं। जैसे कि ये माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या चीजें हैं, सीप, कौड़ी, कमलगट्टा, चंदन की माला और चरण पादिका, ये सारी चीजें आपको जैसे दिख रही हैं इसी प्रकार से आपके घर जाएंगी। इसके साथ में माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए और गणेश जी को खुश करने के लिए जनेऊ, उसके साथ में ये छोटी सी सुंदर सी आसन के रूप में चुनरी, उसके साथ में धूप बत्ती और बत्ती, ये सुगंधित धूप है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उसके साथ में ये दिया और ये स्पेशल बत्ती जो आप दीपावली की पूजा में जलाएंगे, देसी घी के दीपक में जलाएंगे। इसके साथ में आपको ये खील बताशे जो माँ लक्ष्मी को सर्वप्रिय है, इसके साथ में ये हल्दी की गांठ, इसके साथ में ये सिंदूर जो माँ लक्ष्मी को आप चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे,
ये सुपारी और उसके साथ में ये कपूर आरती करने के लिए, धनिये के बीज प्रसाद के रूप में मिश्री, और चढ़ाने के लिए अक्षत और लौंग इलायची, और माँ लक्ष्मी को टीका लगाने के लिए हल्दी केसर और चावल का मिश्रण, इसमें पानी घोल के आप टीका लगाइए पूरे परिवार को और भगवान को लगाइए। उसके साथ में ये इत्र, और उसके साथ में आपको ये मिलेगा लघु नारियल, और ये यंत्र, जो यंत्र है आपका लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, ये आपको मिलेगा एक नजर बट्टू, इसको घर के दरवाजे के बाहर टांग दीजिएगा। पूरे वर्ष भर या सालों साल आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी और आपको मिलती रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। इतनी सारी चीजें, टोटल 31 चीजें हो गई, और देखिए इसको आप इस तरीके से बंद करके पूजा करिए और ये सालों साल चलेंगे, आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, सालों साल चलेंगे ये, जब तक ये संसार है तब तक ये गणेश लक्ष्मी आपके साथ हैं। और इसी प्रकार से आपका जो श्रीयंत्र है ये भी सालों साल चलेगा, इसको भी इस तरीके से आप बंद कर दीजिए अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी तिजोरी में, इसको सुरक्षित रखिए, और कुछ ये इस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से देखिए कितना बेहतरीन, सालों साल आप इनकी पूजा करें और आशीर्वाद पाते रहें। और इस प्रकार से ये स्टैंड के रूप में आपको कछुआ भी दिया जाएगा, जिसको भी आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी तिजोरी में रख सकते हैं। ये सारी चीजें जब आपके घर होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए आएंगी। मिट्टी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, जो भी चीजें हैं वो धातु है, और ये ओरिजिनल जो ईश्वर ने बनाया है ये वो चीजें हैं, ये नष्ट नहीं होती हैं कभी। और कहते हैं जिसने रुद्राक्ष के रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा की वो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान होता है। तो इस दीपावली आप ये मंगाएं, इनका पूजन करें, और यकीन मानिए सबसे सुंदर दिवाली होगी आपकी और आपके परिवार की। आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, L55 लिखकर आप हमें मैसेज करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फोन करें। ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट चांदी में मढ़े हुए छत्र के रूप में है, ओरिजिनल स्फटिक का श्रीयंत्र है। आप ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें।